चटपटे खट्टे तीखे मसालेदार जीरा आलू, ये सब्जी भी है और चाट भी। आप चाहे तो इसे चाट की तरह भी खा सकते हैं और सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत कम समय में बन कर के तैयार हो जाती है। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मसाले के स्वाद में। तो जैसा कि आज हम जीरा आलू बनाने वाले हैं, तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो जीरा आलू बनाने के लिए हमने 5 उबले आलू लिया है, उसे 1 घंटा पहले उबाल करके रख लिया था ताकि आलू अच्छे से ठंडे हो जाए। इसे गरम गरम आलू के साथ बनाएंगे तो जीरा आलू बनाते वक्त आपके आलू टूट सकते हैं, इसीलिए 1 घंटा पहले उबाल के रख ले, इससे आलू ठंडे हो जाएंगे तो जीरा आलू अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब आलू को काट लेते हैं। आप अपने पसंद के पीसेस में भी काट सकते हैं या इस तरह से भी काट सकते हैं। जिस तरह से आज मैंने ये जीरा आलू बनाए हैं, जैसे पूरा मसाले में कोटेड है, जीरा दिख रही है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बस खा कर मज़ा ही आ जाए। तो आप चाहे इसे लंच बॉक्स में दें या घर पे कभी भी बनाएं, मेहमान आने पर बनाएं या जब मन करे तब बना करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ सारे आलू को काट लिया है और साथ ही कढ़ाई गर्म होने के लिए भी रख दिया था। तो कढ़ाई गर्म हो जाने पर उसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून तेल। मैं यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। यहाँ तेल गर्म हो गया है तो उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जीरा। जीरा आलू बन रहा है तो जीरा तो ज़्यादा डालना चाहिए, तो इसलिए हमने 1.5 चम्मच जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। इस समय मैंने फ्लेम को लो कर रखा है ताकि मसाले जले नहीं। ये मसाले तो भुन गए, अब डालेंगे हम इसमें कटे हुए आलू और ये 1 छोटी चम्मच नमक। और अब आलू को मसालों में मिलाते हुए भुनेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। आलू थोड़े अच्छे से भुन जाते हैं तो इसमें एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ी देरी से भून लिया है तो अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। ये 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी लिया है, इसे क्रश करके डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इसे डालने से जीरा आलू का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे भी मिलाते हुए साथ में भून लेंगे। 3-4 मिनट तक इसे भून लिया है, अब इसमें बाकी के बचे मसाले भी डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम तीखा पसंद करते हैं तो कम भी ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च की पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन्हें मिलाते हुए थोड़ा और भून लेते हैं, फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। ये मसाले हमने लास्ट में डाला है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता है। थोड़ी देर भूनने के बाद जीरा आलू तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए आलू कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बनके तैयार है बहुत ही चटपटा टेस्टी जीरा आलू। तो है ना इसे बनाना बिल्कुल आसान, आप जब चाहे जल्दी में भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपना अनुभव हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।